खाला ने इनको क्या दिया है। सो लेट्स क्या है। वैसे तो मैं देख चुकी हूँ बट मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर। शो यू समथिंग, लुक एट माई हैंड। वेलकम ऐशी, वेलकम होम। कितना अच्छा लुक आ रहा है माशाल्लाह से। हर चीज़ पिंक पिंक कर दी बिकॉज इट्स अ गर्ल। ड्यूटी शुरू हो गई है बिकॉज बर्थडे है, आज डिस्चार्ज किया जाएगा आयशा को। और जो है आज हम मुन्नी को घर लेके जाने वाले हैं और मैं मम्मा का वेट कर रहा हूँ। जैसे ही वो आती हैं तो फिर दैन मैं घर जाऊँगा, फिर घर डेकोरेट करना है जल्दी से, फिर आयशा को और बेबी का वेलकम करना है। तो बस वहाँ पे आपको घर पे आप लोगों से मिलते हैं और अभी आयशा से भी मिलवाते हैं आपको कि जो है ना आयशा क्या कर रही हैं। आयशा को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है घर जाने की और पहले सब सुबह से ही कह रही है मैं रेडी हो जाती हूँ, डॉक्टर से पूछ लेती हूँ, कपड़े चेंज वगैरह कर लेती हूँ। मैंने हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ रेडी वगैरह हो जाओ। तभी रेडी वगैरह होकर बैठी हुई है तो बस अभी रूम में जाते हैं। अभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर से भी मैं क्या नाम है बेबी की सैरम जहन में आ जाता है एकदम तो बेबी की वैक्सीन भी लगा ली है, फर्स्ट वैक्सीन भी डन हो चुकी है। तो बस हम लोग डिस्चार्ज करेंगे, डॉक्टर का वेट कर रहे हैं ना, डिस्चार्ज पे हमें ओके कर देना है, फिर हमने यहाँ पे घर के लिए जाएंगे। वहाँ पे हम आपको घर पे बेबी का वेलकम किस तरह करते हैं वो आपको दिखाना है, तो स्टे ट्यून। को हम लेके जा रहे हैं, इनकी डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दिए हैं तो इनका टेस्ट करवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। आयशा रेडी हो चुकी हूँ। आयशा कहाँ है? आयशा बेड पर तो है नहीं। ओ आयशा यहाँ आ चुकी है बेड पे से रेडी होके, इतनी जल्दी है घर पे जाने की, देखो माशाल्लाह से वो रेडी हो गए और जो है ना इधर आ गई हैं, मेरी जगह पे आ गई हैं। कल मैं यहाँ पर था इस पर स्टे कर रहा हूँ। हाँ मैं बेड पे बैठ चुका हूँ, वैसे देखे आराम से ऐसी वैसे कम्फर्टेबल बैठे तो सुकून से यहाँ बैठी हुई थी हैं। हाँ और हम वहाँ पर थे बहुत सुकून से, सुकून से। आपको पता है तीन दिन में आयशा मुश्किल से 3 से 4 घंटे सोई होंगी। क्यों आशीष सही है गलत है? मैं 2 घंटे सोई। सो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। आयशा का डिस्चार्ज है, डॉक्टर ने डिस्चार्ज का कह दिया है, सेकंड हाफ में कहा था उन्होंने। तो जब तक मैंने कहा घर में जल्दी चले गया था मैं घर, ताकि मुझे घर में डेकोरेशन वगैरह करनी थी। तो अभी मैं घर पर हूँ, मैं रूम भी ज़बरदस्त डेकोरेट कर लिया आयशा के लिए, बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ मैंने तैयार कर चुका हूँ। और जो है अभी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, जल्दी से आयशा को घर लेके आऊँ। 2 दिन बाद मैं अभी घर पर आया हूँ। बेटी की खुशी तो आपको पता है बाप से ज़्यादा बेहतर कौन समझ सकता है। तो अल्लाह ताला हम सबको हमेशा खुश रखे और अल्लाह ताला मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। तो बस यही दुआ गए आप लोगों से भी, दुआ की दरख्वास्त। ये मैंने रूम डेकोर किया है, इट्स अ गर्ल के बलून्स हैं ये, मैंने इट्स अ गर्ल के इन्होंने और ये बलून्स लगाए, ये बुके। और जो है ये मैंने चेस्टर को मैंने डेकोर किया है, टेडी बियर वगैरह लगाए हैं यहाँ पे क्यूट से, रेड टेडी, पिंक, वाइट। बेबी के लिए जो है मैंने कॉर्ड भी बनने के लिए दिया हुआ है ऑर्डर पे ना, तो पहले बेसिकली डेट जो दी हुई थी डॉक्टर ने वो 8 मई की दी हुई थी। तो खैर रमज़ान में उसको आना था बेबी को, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तो रमज़ान का महीना हमें नसीब हुआ है। तो बस कॉर्ड भी रह गया, तो कॉर्ड ईद के बाद इंशाल्लाह, क्योंकि ईद में छुट्टियां होती हैं तो कॉर्ड भी आ जाएगा। काफ़ी कुछ चीज़ें रह गई होती हैं इंसान की, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाई स्टेप होती जाती हैं। तो वहाँ पहुँच के आपसे मुलाकात करते हैं और आयशा को कैसा लगता है सरप्राइज तो आपको बताते हैं। तो स्टे ट्यून। वेलकम ऐशी, वेलकम होम। 2 दिन बाद आप आ रही है। 3 दिन 2 दिन 48 आवर्स। हाँ चल रहा है, चलो बैठ। तो बेबी आ चुकी है घर पर, सोना बेबी आप यहाँ बैठे हैं, हम मम्मी को लेकर आते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम। और किया भाई, किसने किया ये पता नहीं किसने कर दिया, खुद ही खुद हो गया। जब मैं आया ना ऐसी तो ये डेकोर हुआ हुआ था, मैं तो हॉस्पिटल में, तुम्हारे सामने की तो बात है, मैं तो सामान लेने के लिए गया था, मैं कहीं गया था, मैं तो हॉस्पिटल में था। अच्छा रुका कौन था हॉस्पिटल में? सही से बता, मैं रुका ना, तो फिर डेकोर किसने किया? और खुद खुद हो गया, वाह जी कैसा लगा? अच्छा बैठ जाओ। हाँ उस सैरम ने किया है, सिट डाउन। कैसा लग रहा आपको 2 दिन बाद घर आकर? मुन्नी आ चुकी है घर पर, मुन्नी को हम दिखाएंगे दूर दूर से। सही बात है, आयशा हॉस्पिटल के बाद काफी अच्छी अच्छी बातें कहने लगी है। सो गाइस माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर आ चुकी हूँ, आप लोग देख ही सकते हैं, और आप लोगों की दुआओं से सब कुछ बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे से हो गया है। और ये जो डेकोर हुआ है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पिंक पिंक। और मी बेबी भी रोने लग गई हैं, आई थिंक शी इज़ हंग्री।
और ये जो है ये क्यूट सा गिफ्ट जो पिंक सा दिख रहा है, ये बेबी की खाला लेके आई थी। थैंक यू सो मच, बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। पिंक पिंक एवरीथिंग इज़ पिंक है, मतलब आप लोग देख सकते हैं। राहिल ने जो है, मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, उस पर जस्टिस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है राहिल ने जो कर्टन है यहाँ ब्लैक लगा, बट कर्टन जो है वो पिंक लगा दिए हैं और कितना अच्छा लुक आ रहा है माशाल्लाह से। हर चीज़ पिंक पिंक कर दी, बिकॉज इट्स अ गर्ल ऑफ कोर्स। राहिल की ड्यूटी शुरू हो गई है, बिकॉज हाँ उसकी तो बहुत सारी ड्यूटी होती है, बट यू नो कुछ डैडी की भी ड्यूटी होनी चाहिए ना, तो मैंने राहिल को अभी उनकी ड्यूटी पे लगा दिया है काम पर। अच्छा आपने तो कहा था कि शुरुआत है आपने याद है आपने लास्ट व्लॉग में कहा था कि इतने काम क्यों करें, फिर मैंने बोला था आपको ही करने बाद में, तो अभी आपको सारे काम करने पड़ेंगे। तो गाइस मैंने सोचा कि बेबी के बॉर्न होने के बाद जो फर्स्ट गिफ्ट आया था बेबी का, वैसे तो बिफोर भी बहुत सारे आए हुए हैं, बट फर्स्ट गिफ्ट जो बेबी का आया वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि बेबी की खाला ने उनको क्या दिया है, और जो जो गिफ्ट आएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी बेबी के कि किस किस ने क्या दिया है, ईदी में क्या आया। और चलें अभी इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। वैसे तो मैं देख चुकी हूँ, बट मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी। सो गाइस इसमें प्यारे से बेबी के सॉक्स हैं, फीडर है, टेडी बेयर है क्यूट सा पिंकी सा, और ये टॉवल सेट है, और ये है कुशन्स का सेट, और ये है क्यूटू सा कलॉन है, और ये क्यूट से सॉक्स हैं, और कुछ कपकेक्स रखे हुए हैं इसके अंदर। ये है पूरा टॉवल सेट, और इसके अंदर हैंकीज़ भी है। कितना क्यूट लग रहा है यार, आई एम इन लव विद दिस। स्पेशली ये क्यूट मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि पिंक कलर के, और पिंक क्यूट सी चीज़ें हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा यू नो बहुत अच्छी लग रही हैं। और ये बेब सबसे अच्छा था, ये बेब आई लव मम्मी, दिस इज़ सो क्यूट। राहिल जो हैं वो बेबी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जब से आए हैं बस बेबी को ही लिए। राहिल आपका दूसरा बेबी का उसका होश है आपको, उसको आपने बेचारे को नानी के घर छोड़ दिया और इसको पकड़े हुए हैं। नानी ने कहा कि जो है ना उसको मिस कर दी थी, तो थोड़ी देर के लिए उसको वहाँ पे छोड़ के आया। हाँ, बिकॉज गाइस आई कैन नॉट इवन टेल यू कि उसैरम कितना ज़्यादा क्रैंकी हाइपर हुआ हुआ है इस वक्त, बिकॉज यू नो कहते हैं कि दूसरा जब बेबी बॉर्न होता है तो फर्स्ट बेबी हो जाता है थोड़ा सा क्रैंकी। सो बहुत ही ज़्यादा ना वो कुछ खा रहा है ना पी रहा है, उसकी मुझे टेंशन लगी हुई है। तभी मम्मा ने बोला कि इसको मेरे पास छोड़ दो, मैं कुछ खिला पिला दूँ एटलीस्ट। तो राहिल के तो मज़े आ गए, सैरम को देखना नहीं पड़ रहा, उनको एक ही बच्चे को देखना पड़ा है, सो ही इज़ सो हैप्पी नाउ। गाइस लेट मी शो यू समथिंग, लुक एट माई हैंड, कितना गंदा। अच्छा मुझे ये सबसे ज़्यादा ये गुस्सा आ रहा है कि ये मेरे हाथ पर निशान जो पड़ा है, दर्द का मसला नहीं है, दर्द तो बंदा सह ही लेता है, लेकिन जो निशान पड़ गया, ईद आने वाली है, मैं कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिमूव करूँ ये। इसका कोई ना कोई तो हल होगा, अगर आप लोगों को इसका हल पता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड ऑल्सो मेरा फेस इतना ज़्यादा सूजा हुआ है ड्रिप्स की वजह से ना आई गेस, तो मेरा फेस कोई भी पहचान नहीं पा रहा, इवन मेरा मोबाइल तक, इवन मेरी जो फ़ोन की आईडी है ना वो भी रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रही, लॉक ही नहीं खुल रहा है, मुझे पासवर्ड डालना पड़ रहा है बाकायदा। एंड आई एम इट इज़ जस्ट सो फनी। आयशा की हाथ की हालत देख के बहुत बुरा लगा, उस हॉस्पिटल में तो फिर भी थोड़ा सा कम था, लेकिन आयशा की हालत दिखाओ। आयशा ये क्या किया यार, कनोला पास कर रही है। अरे ये जो है ना वो मेरी वेन्स उनको मिल नहीं रही थी, यहाँ पर 3 अटैम्प किए, वो भी ये 2 किए, फिर यहाँ पर एक किया था, तो वो मेरे ना यहाँ पे पूरा भर रहा था स्किन में। हाँ वाकई में आयशा के जो इंजेक्शन लग रहे थे, और बार बार कनोला पास कितनी दफ़ा पास हुआ है, फर्स्ट वाला का मतलब फिर भी सब बेहतर था, उसके बाद वाकई में। और आयशा लिटरली मैंने देखा, मैंने अभी वेनोफर लगी लास्ट टाइम, तो उसमें जो है ना वो जगह फूल लेती है ना, इतना पेन भी हो रहा था, फिर फौरन डॉक्टर को बुलाया गया, तो उसको बताया कि भाई इस तरीके से हो रहा है, तो उन्होंने फौरन डिस्कार्ड किया उसको, वो हटाया और दूसरी जगह चेंज किया, इसकी वजह से बिल्कुल नील हो गया। तो आयशा ख्याल रखो, बिल्कुल मैं सारी चीज़ें बेहतर थी अल्लाह का शुक्र, लेकिन ये जो चीज़ें हुई ना ये सबसे बड़ी खतरनाक। एक बहुत एक स्टाफ थी जो ऐसी थी, बाकी तो बहुत अच्छा स्टाफ था, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। कंप्लेन करना बनती है। आयशा आपने एक चीज़ नोट डाउन नहीं की, मैंने किस कलर के ड्रेस पहना हुआ है, पर्पल पर्पल कलर शहर का फेवरेट। मैंने पता लगा कि आयशा ने भी पर्पल पहना हुआ, तो मैंने कहा क्यों ना ट्यूनिंग की जाए आयशा के लिए, तो पर्पल कलर ड्रेस पहना। आयशा ने हॉस्पिटल में नोट डाउन नहीं किया, ऐसी कह रही है मुझे लगने के लिए। सोच रही थी कि पर्पल कलर मुझे पता होता आप भी पहन रही हैं, तो फिर मैं बेबी का भी पर्पल एक ड्रेस रखी लेती ताकि हम तीनों की ट्यूनिंग हो जाए।
अरे हाँ, मैं भी जल्दी जल्दी में जो है ना बस निकला, मुझे भी जहन में था, लेकिन बस हॉस्पिटल पहुँचते ही मुझे जहन में आया पर्पल कलर का ड्रेस रखना था बैग में, तो भूल गया। कोई बात नहीं, मीट में ट्विनिंग कर लेंगे। तो ईद आने वाली है गाइस, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। जल्दी से जाएँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे लाइक्स कमेंट सेक्शन में भर दें कमेंट, ढेर सारे, और ढेर सारी विशेष चाहिए, दुआएं चाहिए, और नन्नी परी रहमत आई हमारे घर में, तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए, दुआएं चाहिए। तो आयशा आप ख्याल रखें और आप लोग भी अपना ख्याल रखें, ईद आने वाली है, तो आप लोग एडवांस में ईद मुबारक। बाय बाय, टाटा।